जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि वी आर सैनिक स्कूल साइंस सीरीज एंड में आपका एक नया चैप्टर जो है वो जुड़ने वाला है और इस चैप्टर का नाम है एनिमल्स प्यारे बच्चों आपने ऑलरेडी आई गेस दैट कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख ली होंगी जिसमें हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच के सिमिलैरिटीज पढ़े फिर डिफरेंसेस पढ़े फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और फिर उसके बाद प्लांट्स में हमने अलग अलग प्रोसेस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बाद हमने अलग अलग जो प्रोसेस थे वो हमने जर्मिनेशन वो सारे प्रोसेस हमने किस में पढ़े आपके प्लांट्स चैप्टर में पढ़े बट प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एनिमल्स पे और एनिमल्स में भी हम स्पेसिफिक रहेंगे टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स क्योंकि आपके पेपर में ह्यूमन बींग्स से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी होती है तो हम ह्यूमन बींग्स को जो है वो बहुत ब्रीफली बहुत खुल के पढ़ेंगे और बाकी सबको धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रीफ ब्रीफली रेड करेंगे चलो तो आज की जो अनबॉक्सिंग जो है वो शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तो शुरुआत करते हैं हम एनिमल्स से तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखो दो तरह के आपका जो है कैटेगराइज करा जाता है सारे एनिमल्स को एक कोल्ड ब्लडेड एक वार्म ब्लडेड आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है ठंडा खून और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या गर्म खून है नहीं ये नहीं है बच्चे देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट जब भी आपको फीवर आता है तो आपकी मदर क्या बोलती है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है मतलब अगर आपको या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है तो आप ये तो बोलते हो सर थर्टी सेवन सेवन डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है और बच्चे अगर इससे दो डिग्री सेल्सियस या तीन डिग्री सेल्सियस कम या ज्यादा हो जाता है तो इंसान को हाई फीवर आ जाता है और उनको उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है तो ह्यूमन जो है एक है एक वार्म ब्लडेड एनिमल क्यों क्योंकि उनका बॉडी टेंपरेचर चाहे बाहर कैसा भी हो उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स रहता है उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है फिक्स रहता है बट जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है उनका बॉडी टेम्परेचर क्या करता है वेरी करता है वो अपने आप से जो है उसको चेंज नहीं कर सकते तो वो वेरी करता है आपका जो बॉडी टेंपरेचर जैसा आपका बाहर जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से तो इंटरनली जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते कौन कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के के एग्जाम्पल जैसे आपके स्नेक्स हो गए लिजर्ड हो गए टर्टल्स हो गए टटोइज हो गए ये सारे के सारे आपके जितने भी आपके आ, रेप्टाइल्स होते हैं या जितने भी आपके फिशेज होते हैं ये सारे के सारे बच्चे आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं उसके बाद मैंने वार्म ब्लडेड का आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए बर्ड्स हो गए जितने भी मैमल्स हैं मोटा मोटा आप ये कह सकते हो ऑल द मैमल्स आर वॉम ब्लडेड एनिमल जितने भी मैक्सिमम मैमल्स होते हैं वो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ठीक है चलो अब आगे बढ़ तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं अदर क्लासिफिकेशन एक तो आपका वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के कैटेगरी में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है और दूसरा जो प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन है वो वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में अच्छा वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं देखो आपका ये जो जो भी एनिमल जिनके आपके बैकबोन होती है बैकबोन मतलब ये जो मेरी बैकबोन है यहाँ पीछे वैसी आपके भी बैकबोन होगी तो ये जो बैकबोन होती है जो एक्चुअल में ऐसा ऐसा दिखता है इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स जिन भी एनिमल्स के पास ये बैकबोन होती है इसका मतलब वो सारे के सारे क्या हैं वर्टिब्रेट्स वो सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और जिन एनिमल्स की नहीं होती है उसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स देखो ऑल अराउंड जो है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में एट लैक से अबव जो है वो स्पीशीज एनिमल्स की स्पीशीज क्या होता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एट लैक जो है वो मतलब काउज है वो अराउंड एट लैक है और इन लेट लैक्स में से हमने आधे तो अभी देखे भी नहीं होंगे ठीक है तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्टिब्रेट्स मतलब वो होता है जितने भी एनिमल्स दो बैक बैकबोन आर कॉलेड एस एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट है

फिर आता है आपका रेप्टीलिया फिर आता है एविस और फिर लास्ट में आता है आपका मेमेलिया ठीक है ये आपके फाइव कैटेगरी है जिसमें आपके एनिमल्स को जो है वो डिवाइड करा गया है एनिमल्स को क्या करा गया है डिवाइड करा गया है ठीक है अब देखो ये आपके कैटेगरीज में देखो ये विदाउट बैकबोन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बटरफ्लाई हो गया कॉकरोच हो गया इन सबकी बैकबोन नहीं अगर आपको और भी एग्जाम्पल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मेरे को लिख सकते हैं चलो अब देखो ये ये है पिशेस ठीक है ये क्या है ये पीशेस है और फिर उसके बाद ये जो थर्ड वाला है वो है एम्फीबिया ठीक है ये फोर्थ वाला है वो रेप्टाइल्स है और ये फिफ्थ वाला है उसे एविस कहते हैं और जो लास्ट वाला है वो है आपका मेमेलिया हम एक एक करके हर एक एनिमल्स के बारे में और हर एक कैटेगरी को जो है बड़े प्यार से पढ़ेंगे यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक करो तो प्यारे बच्चों अब जो वर्टिब्रेट्स की जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीसेस तो पीसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको जिसमें जो आपके मेनली फिशेस वाली कैटेगरी है वो सारे के सारे आते हैं देखो फिशेस जो जितने भी आपके लिविंग बिंग्स जो आपके आ, वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं तो जितने भी आपके जानवर आपके वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं तो ये सारे के सारे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो सारे के सारे फिश क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं अच्छा तो इसका मतलब ये क्या कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो ग... रेगुलेट करने के कैपेबल है मतलब जैसा आपका बाहर टेम्परेचर हो रहा है वैसी अपना जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वैसा कर देते हैं वैसा चेंज कर देते हैं ये आपकी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तो प्रॉपर्टी थी वार्म ब्लडेड में क्या होता है फिक्स टेम्परेचर होता है तो वो तो अपना रेगुलेट कर ही नहीं सकते फिक्स टेम्परेचर है उनका फिक्स है बट आपके जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते मतलब चेंज कर सकते हैं

पास कोई नेक नहीं। सीधा 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 है 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 के 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 बाद सीधा है। और के बाद बाद और क्या है बच्चे सीधा का सीधा तो ये ये आपके के था फिर उसके फिश देखी होगी क्लोज से किसी एक्वेरियम में, या आप में से बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन भी होंगे उनके जो फिशेस होते हैं उनके क्या होते हैं गिल्स होते हैं अच्छा देखो आपके फिशेज जो होते हैं वो हर्विबोरस भी होते हैं और कार्निवरस भी होते हैं हर्वी बोरस मतलब जो हर्ब्स खाते हैं यानी जो आपके प्लांट्स को ईट करते हैं एंड दे कैन ऑल्सो भी कार्निवोरस कार्नी मतलब मीट मीट को जो ईट करते हैं ठीक है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये आपके यंग वंस को भी वो कर सकते हैं डिलीवर कर सकते हैं और इवन दे कैन डिलीवर द एक्स और एक्स को भी ये क्या कर सकते हैं डिलीवर कर सकते हैं तो ये जो है आपके फिशेस की जो है वो मोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी है अच्छा अब मैं एक और चीज़ प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनना कुछ एग्जाम्पल्स जैसे डॉग फिश हो गया आपका और राहू फिश हो गया ये सारी फिशेस के जो है वो एग्जाम्पल है अगर आपको इससे ज्यादा एग्जांपल्स पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स तो प्यारे बच्चों अब हम दूसरी क्लास में आते हैं और क्लास टू जो है उसका नाम क्या है एम्फीबिया एम्फीबिया जो वर्ड है बच्चे वो एम्फीबियन से बच, बना हुआ है एम्फीबियंस मतलब एम मतलब एम्फीबियंस मतलब जो आपके लैंड में भी रहते हैं और जो आपके वाटर में भी रहते हैं मतलब बोथ वे लैंड में भी रह सकते हो जिंदा और आपके वाटर्स में भी रह सकते हैं बच्चे इनका जो एग्ज़ाम्पल्स है जैसे फ्रॉग हो गया और सेलेमेंडर्स हो गया ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अगर आपको पता है तो प्लीज़ आपको मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में लिख दो ठीक है और जिसका कमेंट अच्छा होगा उसको मैं पिन भी करके कर दूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जो है वो सबसे अच्छा होगा मैं खुद लाइक करूंगा उसे ठीक है चलो और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया बच्चे मैंने ये बताया कि इनके जो होते हैं इनके स्केल्स नहीं होते हैं स्केल्स क्या होता है देखो जैसे फिशेज होते हैं ना फिशेज में आउटिंग कवरिंग होती है किसी भी जानवर के ऐसे, ऐसे ऐसे करके कवरिंग टाइप होती है बट आपके जो फ्रॉग है फ्रॉग की जो स्किन होती है ना बच्चे वो बहुत ही स्मूथ होती है बहुत ही स्मूथ होती है ठीक है स्किन कैसी होती है इसकी बहुत ही स्मूथ होती है इतनी बात समझ में आ गई और इनके जो होते हैं इनके लिम्स होते हैं फिंस नहीं होते इनके पता है ना जो तैरने के काम आते हैं हैं उन्हें हम कहते ये तो आपके वो हो गए पंख जो तैरने के काम आते हैं ठीक है बट इनके क्या होते हैं लिम्स लिम्स ये ये देख आप इनके लिम्स होते हैं और दो दो पेयर पेयर मतलब एक पेयर में हमेशा दो होते हैं तो टोटल कितने हो गए इनके चार लिम्स होते हैं मतलब दो आगे होते हैं और दो पीछे होते हैं ये फोर लिम्स हो गए और ये पीछे वाले जो हो गए वो क्या हो गए हिंड लिम्स ठीक है और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ये इनका जो बॉडी पार्ट पोर्शन होता है वो मेनली क्या होता है हेड और ट्रंक देखो इन इन एनिमल्स में आपकी टेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रॉग है फ्रॉग में क्या है टेल नहीं है बट वहीं पे अगर स्लिमेंडर को देखें तो इनकी जो है हल्की सी जो होती है वो टेल होती है ठीक है बट आपका जो फ्रॉग होता है उसमें कोई भी टेल नहीं होती तो इनकी टेल्स हो भी सकती हैं और टेल नहीं भी हो सकती बट इन बहुत ही रेयर है लेकिन फिशेज में आपकी टेल्स होगी ही होगी उसके अलावा दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन ये इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो मेनली थ्रू लंग्स एंड स्किन होता है लेकिन कोई कोई ऐसे ऐसे आपके एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास गिल्स भी होता है ठीक है जिनके पास गिल्स भी होता है ठीक है वो गिल्स से भी कर लेते हैं अच्छा आ, और मेनली ये अपने ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चे पैदा करना तो मेनली ये अपने बच्चे या फिर जो अंडा है वो कहाँ पे देते हैं ये मेनली आपके देते हैं कहाँ पे आपके सी पे जाके मतलब या फिर न, वाटर में जो है ये मेनली अपने बच्चों को देते हैं और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रॉग और सेलेमेंडर जो है वो इसका एग्जाम्पल है अब प्यारे बच्चों अगली क्लास की तरफ आते हैं या फिर अगली कैटेगरी की तरफ आते हैं और वो उसका नाम है रेप्टीलिया रेप्टीलिया जो वर्ड है वो रेप्टाइल से बना हुआ है रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले होते हैं ना जो आपके ऐसे ऐसे मूव करते हैं जिनको रेंगने को क्या कहते हैं इंग्लिश में रेंगने को कहते हैं हम आपका क्रीपिंग ठीक है जो आपके क्रीपिंग करते हैं वो सारे के सारे एनिमल बच्चे आपके रेप्टीलिया में आते हैं वो सारे के सारे एनिमल कहाँ पर आते हैं रेप्टीलिया में आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब रेप्टीलिया की हम अलग अलग फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं क्रोकोडाइल है आपका एग्जाम्पल आपका है, वो सारे के सारे आपके रेप्टाइल्स हैं अब प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना देखो आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं अब बड़े ध्यान से आपको सुननी है जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो आपके पहले ऐसे जानवर थे जो आपके पहले सारे किसान ऐसे जानवर जो वो वाटर में रहते थे बट आपके सिर्फ ये पहले जानवर है जो फुली आपके टेरिस्ट्रियल है अच्छा अब आप बोलोगे सर ये टेरिस्ट्रियल है क्या आप हमें समझाओ तो टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है बच्चे जो आपके जमीन में रहते हैं दो एनिमल्स विच लिव इन लैंड आर कॉलेड एस टेरिस्ट्रियल एनिमल ठीक है इनके भी जो होते हैं वो स्केल्स होते हैं आपने देखा होगा एक हार्ड कवरिंग जो है इस इस क्रोकोडाइल के ऊपर है तो सेम जैसे कि आपके किसमें थे पीसेस में थे, पीसे थे वैसे ही आपके इसमें भी क्या होते हैं आपके हार्ड कवरिंग होती है किसमें आपके रेप्टीलिया में उसके बाद जो आपके ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं दोबारा और ज़्यादातर ये गर्म गर्म वाले इलाके में जो है वो फाइंड आउट होते हैं ज़्यादातर जैसे इसमें स्नैक्स हो गया वो भी आपके रेप्टाइल्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके गर्म जगह में मिलते हैं और वो बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं ज़्यादा डेजर्ट वाले इलाके में जो है ये अक्सर इन डेजर्ट उसके बाद ड्राई एंड रफ इनकी जो स्किन होती है ना बच्चे ये और रफ होती है मतलब इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है इसलिए क्यों क्योंकि वहां पे गर्मी है गर्मी की वजह से स्किन क्या हो जाती है सूखी पड़ जाती है ठीक है उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है बच्चे उसमें हेड भी होता है और एक नेक भी होता है हल्का सा एक नेक दिखेगा आपको ये देखो इसमें भी हेड दिख रहा है आपको और ये नेक दिख रहा है और नेक के बाद ट्रंक और ट्रंक के बाद इसमें टेल्स तो इनका कैटेगरी कितने हो गए चार पोर्शन में जो है इसको डिवाइड हो चुका है इसके बाद बच्चे इनके टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं टू पेयर ऑफ लिम्स यानी टोटल फोर होते हैं टू ही लिम्स नहीं होते इनके फोर होते लिम्स समझिए ना ये वाला पोर्शन जो होता है वो लिम्स कहलाता है अच्छा एक ऐसा जानवर है बच्चे जिसके लिम्स नहीं होते ज, जिसका नाम है स्नेक स्नेक द, दो दे आर रेप्टाइल्स बट उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया है क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती है किसकी लिम्स की जरूरत नहीं पड़ती है तो लिम्स क्या हो गया एक एक टाइम के बाद जो है वो रिमूव हो गया तो देखो ये अडेप्टन जब मैं चैप्टर बताऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इंसान जो है वो अडेप्टन मतलब अपने आप को इन्वामेंट के अकॉर्डिंग कैसे से जो है अपने आप को ढलता है ठीक है तो उसके लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो अनयूज हो, होने शुरू हो जाते हैं तो वो वैसे धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं अब देखो एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स ऑल द रेपाइल्स है अलावा बाकी सारे के सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास ईयर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं होते हैं और मैंने और ये ज्यादातर ओवीपोरस होते हैं अब आप बोलोगे सर ओवीपोरस क्या होता है ओवी मतलब होता है एग जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब मैंने आपको प्लांट्स पढ़ाया था ओव्यूल पढ़ाया था, था ना तो ओवी यूल ओव्यूल तो ओव्यूल मतलब क्या होता है एग जो प्लांट में भी तो आपका ओवरी के अंदर ओव्यूल एग होता है ना जो मैंने आपको बताया था जो फर्टिलाइज जेनेशन के ऊपर जो है वो क्या बना देता है zygote बना देता है और एक नया प्लांट जो है वो आप वो सॉरी एक नया फ्रूट जो है वो आपका उग जाता है और यही आपके oviparous ये भी सेम आपके अंडे देते हैं मैक्सिमम चाहे स्नेक हो चाहे आपका आ, ये क्या कहते हैं इसको क्रोकोडाइल हो तो ये सारे के सारे तो स्नेक टर्टल लिजर्ड क्रोकोडाइल बच्चे इसके एग्जांपल्स हैं इसके क्या है एग्जांपल्स हैं तो प्यारे बच्चों अब हम एवीस पे आते हैं एवीस क्या होता है देखो द, द, द वर्ड जो है एवी एवी का मतलब ही ऐसे होता है कि जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं उड़ सकते हैं जो आपका उड़ने वाली चीज़ों को हम एवी कहते हैं जैसे एविएशन मतलब उड़ना मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन होता है ना एविएशन मतलब उड़ना होता है वैसे ही आपका एवीज़ एवीज़ का मतलब क्या होता है जितने भी एनिमल्स जो कि आपकी या फिर जो जितने भी एनिमल्स जितने भी आपके उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एवीज़ होते हैं उड़ने वाले नहीं मोस्ट प्रोबेबली आपके बर्ड हो सकता है कुछ ऐसे एनिमल्स हो जैसे हैंस हो गया वो सब वो सब आपके उड़ नहीं पाते बट स्लाइट मतलब स्लाइट उड़ना

ठीक है फिर उसके बाद जो इनके फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना इनके पास फोर लिम्स नहीं होते जैसे अभी तक का हम पढ़ रहे थे ना दो पीछे लिम्स थे दो जो 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 है टर्टल टर्टल था था या टर्टल जो था, उनके क्या होते हैं आगे लिम्स, लिम्स होते हैं या फ्रॉग जो था उनके आगे लिम्स होते हैं बट इनके जो लिम्स होते हैं वो फर्दर जो है आपके आगे को इन्होंने अडेप्ट कर लिया और वो कैसे कन्वर्ट हो गए वो पंख में कन्वर्ट हो गए वो किस में कन्वर्ट हो गए फ्लाइट में कन्वर्ट हो गए तो उनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है ना ये वाली जो मसल्स होती है जहां पे वो उड़े उन मसल्स को हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल्स होती है इनके ऊपर उसके बाद जो लिम्स होते हैं वो इनके जो आपके पीछे वाले पैर होते हैं जो पीछे वाले लिम्स होते हैं वो भी तो इनमें प्रेजेंस होते हैं ना वो इनके ये, ये, ये है लिम्स ये क्या करते हैं इसमें इससे आप जंप करते हैं वॉक करते हैं और इससे जो है चीज़ों को ग्रैप भी करते हैं खाना पकड़ते भी हैं तो ये सारे के सारे आपके कैसे हो गए हिंड लिम्स हो गए ठीक है फिर उसके बाद दे आर दे हैव स्केल्स ऑन देयर लेग्स इनके लेग्स में जो होता है वो स्केल्स होता है वही मैंने आपको स्केल्स आपको ऑलरेडी बता दिया है लोअर और अपर जॉ 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 क्या होता है बच्चे ये चीज ये ये जॉ जो है वो मॉडिफाई हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया ब्लिक में कन्वर्ट हो गया बीक में कन्वर्ट हो गया ये देख लो बीक है. ये मतलब चोंच में कन्वर्ट हो गया उसके बाद दे हैव नो टीथ आपको पता है ये बर्ड्स में टीथ नहीं होते और ऑल द बर्ड्स जो है आपके एवीज क्लास में आते हैं ऑल द बर्ड्स किस कौन सी क्लास में आते हैं एवीज में आते हैं अब प्यारे बच्चों मैमल्स में आते हैं देखो प्यारे बच्चों मैमल्स क्या होता है देखो आप सभी ने मैमल्स के बारे में पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आज बता रहा हूँ देखो मैमल्स क्या होते हैं जिन भी जो भी आपके एनिमल्स अपना ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं अपने यंग वंस को क्या करते हैं दूध मिल्क प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे जो है आपके ब्रेस्ट फीडिंग कहलाते हैं वो सारे के सारे आपके एनिमल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कहलाते हैं वो सारे के सारे आपके मैमल्स कहलाते हैं ठीक है अच्छा ये जो आपका मैमल्स होता है उन सबके पास एक मेमोरी ग्लैंड होता है मेमोरी ग्लैंड मेमोरी नहीं मैमरी ग्लैंड मैमरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है ये ये जो आपके ब्रेस्ट होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है और वहां पे जो है छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है दूध दिया जाता है वहीं से आपका जो है वो मिल्क जो है वो प्रोवाइड करता है तो क्या आप एक मैमल्स हैं तो आप बोलोगे यस सर क्योंकि बचपन में आपने भी तो मदर मिल्क पिया है तो जितने भी आपके मदर्स जितने भी मदर्स जो है आपके मिल्क प्रोवाइड करती है वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं मैमल्स कहलाते हैं अच्छा दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड अब प्यारे बच्चे ये सारी पूरी दुनिया में प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहे आप किसी रेन फॉरेस्ट में जाओ मतलब घने जंगल में जाओ जहाँ पे रेन फॉरेस्ट वाले जंग ट्रीज़ होते हैं या चाहे आप डेजर्ट में जाओ या चाहे आप हर जगह आपको डेजर्ट में कैमल हो गया तो हर जगह इनका जो है दबदबा आपको दिखेगा हर जगह ये ये आपको प्रेजेंस मिलते ही मिलते हैं जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका एलिफेंट हो गया एलिफेंट अपने यंग मन्स को देता है डॉग हो गया इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जितने ज़्यादातर एनिमल्स भी आज तक आपने लाइफ में देखे होंगे उनमें से 80 परसेंट आपने मैमल्स ही देखे होंगे चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे ये ये बोल रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लडेड होते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है ठीक है और मोस्ट डोमिनेंट एनिमल्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट हर एक हैबिटेट में जो है ये मिलते हैं अब देखो इनका मेमरी ग्लैंड होता है ये मैंने आपको बता दिया उसके बाद इनके जो है बॉडी में बच्चे फर होते हैं अच्छा अब आप बोलोगे सर फर क्या होता है फर मतलब एक तरह से ये देख रहे हो आप ये ये जैसे कि आपके जो कवरिंग होती है बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है उसे हम फर कहते हैं ठीक है थीके? तो ये हर हर मैमल में जो है फर प्रेजेंट होता है ठीक है फर प्रेजेंट होता है उसके बाद बच्चे आपके इन सबके पास टीथ होते हैं और हेट्रोडेंट टीथ होते हैं हेट्रोडेंट मतलब अलग अलग तरह के जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है सारे टीथ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे आप जब मैं टीथ चैप्टर बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये वाले टीथ का क्या काम है या फिर कोई भी टीथ का क्या क्या काम है ठीक है चलो उसके बाद सेंस ऑफ हियरिंग अब देखो ये जितने भी आपके मैमल्स होते हैं ना उनके सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है और इनके तीन मिडिल बोन्स होते हैं ईयर तीन नहीं बोल रहा हूं ये जो ईयर्स होते हैं ना इनमें तीन मिडिल बोन्स होती हैं तीन बोन्स होती हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये आपके इनका जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है और इसमें सेरिबलम सेरिबेलम और मेड्यूला जैसी जैसे जो डिवीजन होते हैं वो फर्दर होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे उसके बाद देखो वैसे तो एनी जितने भी मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ करते हैं बट कुछ सिर्फ दो ही ऐसे मैमल्स हैं वो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है दो ही एक मैमल है एक तो उसमें से डक की प्रजाति है ठीक है वो है और ये जो दो हैं वो आपके क्या करते हैं एग ले करते हैं वरना सारे के सारे के जो होते हैं वो वी वी हैं वो मतलब होता है आपका डायरेक्ट लाइफ पैदा करना वी वी, वी वी का मतलब अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है लाइफ और मतलब जो आपके डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं ठीक है इतना समझ आ गया मैमल्स तक समझ आ गया पहले ये बताओ फिर आगे चलते तो बच्चे हमने क्लासिफिकेशन जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे पढ़े थे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन है इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं वर्टिब्रेट्स में आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स आए थे और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दो दो कैटेगरी के थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इनको छोड़ देंगे इसमें देखो तीन पेयर वाले इंसेक्ट जैसे आंट हो गया और जैसे आपको आपका थ्री पेयर्स ऑफ लेग जिनके स्कॉर्पियन होते देखो एक तो हो गया जिनके थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं हो, ठीक है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके थ्री से ज्यादा होते हैं जैसे स्कॉर्पियन स्पाइडर कॉकरोच लेडी लेडी बर्ड ये सारे के सारे आपके क्या हो गए इनवर्टीब्रेड बट जो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्टिब्रेड्स और वर्टिब्रेट्स में बच्चे क्या क्या हो गए मैमल्स हो गए बर्ड्स ठीक है दो उसमें डिवाइड करा हुआ है मैमल्स बर्ड मैमल्स में आपके बियर टाइगर और वेल आ गया ठीक है और बर्ड्स में आपका ऑस्ट्रिच पिकॉक और एगल आ गया ये थे वॉर्म ब्लडेड अब कोल्ड ब्लडेड तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था फिश रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ठीक है फिश में मैंने ये सेलमॉन फिश गोल्ड फिश गुप्पी ये अलग अलग जो है वो आपके गप्पी सॉरी गुप्पी गप्पी जो भी है ठीक है ये आपके हो गए फिशेस फिर फिशे, टर्टल्स फिशे, फिशे, हो गया क्रोकोडाइल हो गया स्नेक्स हो गया ये सारे रेप्टाइल्स हो गए ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया में फ्रॉग टॉड और न्यू ये सारे के सारे आपके क्या हो गए ये सारे का सारा क्लासिफिकेशन का एक तरह से रिविजन मैंने आपको करवा दिया तो इतना समझ आ गया ठीक है इतना समझ आ गया हो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको लाइक अगर आपको अच्छी लगी या आपने लाइक करा है तो प्लीज लाइक करो आप वीडियो को थम्स अप का बटन जो है आपको आपको दबाना है और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ इंफॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो और ये जो है हमारी द विनिच विनिंग एज की जो टीम है वो आपके लिए ये वीडियोज़ ला रही है और आपको पता है विनिंग एज का नंबर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुका है तो आपको पता चल गया अब मुझे कहाँ मिल सकते हो आप इन नंबरों में यू कैन कॉल मी इन दीज नंबर और यू कैन सेंड सेंड अ मैसेज बेटर रहेगा आप मैसेज सेंड करें ठीक है रिलेटिंग टू विनिंग है रिलेटिंग टू अगर आपको सैनिक स्कूल आर एम एस आर एम सी और आर एम एस के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप इन नंबर्स पर आपको डायल कर सकते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा हमारी ई मेल और वेबसाइट भी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो चलो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं टेक केयर हैव अ नाइस डे